और यहाँ जब मैं आने वाला था, जब हमारे साथियों ने हमको यहाँ बुलाया, तो कुछ लोग हमारी फोटो पे कालिख पोत रहे थे। अरे दोस्त, गलत ट्रेन पकड़ लिए। हमारे मुंह पे तुम कालिख पोख सकते हो, क्योंकि मेरे चेहरे पे भ्रष्टाचार का कालिख नहीं लगा हुआ है। हमारे मुंह पे तुम कालिख पोख सकते हो, क्योंकि हमारे चेहरे पे खून का कालिख नहीं लगा हुआ है। हमारे मुंह पे तुम कालिख पोख सकते हो, क्योंकि हमने इस देश के रक्षा सौदों में दलाली नहीं की है, हमने अंबानी से दलाली नहीं खाई है। हमारे मुंह पे तुम कालिख पोख सकते हो, क्योंकि इस देश में 12,000 किसानों की आत्महत्या का कालिख हमारे चेहरे पे नहीं लगा हुआ है। लेकिन तुम रूपानी भाई के चेहरे पे कालिख नहीं पोख सकते हो, मोदी भाई के चेहरे पे कालिख नहीं पोख सकते हो, और अमित शाह की तो बात ही मत करो, कहां गायब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी जिनका विचार काला, जिनकी सोच काली और जिनकी टोपी काली, वो दूसरे के मुंह पे कालिख फोतने का ही काम कर सकते हैं। हम आपको चुनौती देना चाहते हैं कि आप आइए हमारे सामने, आप पूछिए हमसे सवाल, आप कीजिए हमसे बहस। सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता को आप लेकर के आइए, उनको छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो मैं भी अपनी माँ का बेटा नहीं। कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा सवाल है जिसका आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 56 इंच का सीना लेकर के चलते हैं। अरे हमारे पास टेलर नहीं है, वरना नपवा लेते। जो आपका मोदी मोदी लिखा सूट बनाया था, उसको पता होगा कि आपका 56 इंच का सीना है कि नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि आपने किसको अपना दुश्मन बनाया है? एक साधारण विद्यार्थी को, जिसकी माँ आंगनवाड़ी में 3,000 रुपए पे काम करती है, जिसके पिताजी इस खेतों में, देश के खेतों में पसीना बहाते हैं, देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, जिसके भाई फौज की नौकरी करते हैं और नौकरी करते हुए शहादत देते हैं। मेरा एक भाई CRPF की नौकरी करते हुए शहीद हुआ था। आपने उसको अपना दुश्मन बनाया है? आपने इसलिए उसको अपना दुश्मन बनाया है क्योंकि आपका आंकड़ा कहता है, आपकी PR एजेंसी आपको बताती है कि इस साधारण व्यक्ति को अगर पकड़ करके जेल में डाल देंगे तो इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गलत कैलकुलेशन कर लिए साहब, गिनती गड़बड़ हो गई आपकी। ठीक से पढ़े होते तो आपको पता होता कि जिस इंसान को आप साधारण समझने की भूल करते हैं, अगर इस देश के साधारण लोग उसके पक्ष में इकट्ठा हो गए तो नीरव मोदी के पास आपको भी भागना पड़ेगा, नरेंद्र भाई मोदी। यह बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। और मैं जानता हूं, हमको जानने वाले लोग जानते हैं कि हम इतिहास के सही पक्ष के तरफ खड़े हैं, और जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम देश तोड़ने वालों में और हमारा नाम देश बचाने वालों में लिखा जाएगा, इस बात का हमको भरोसा है। क्या आरोप लगाते हैं? आरोप लगाते हैं कि हमने देश के खिलाफ बोला। हमने देश के खिलाफ बोला तो आप ढोकला खा रहे हैं दिल्ली में? आप क्या कर रहे हैं? आपके पास सरकार है, आप सरकार हैं, आपके पास पुलिस है, आपके पास CBI है, आपके पास ED है, आपके पास लॉ है, तमाम तरीके के संसाधनों के बावजूद आप तो राफेल भी खरीद करके लाने वाले हैं, आप एक आदमी को पकड़ करके जेल में नहीं डाल पा रहे हैं। किसको बेवकूफ बनाते हैं? इस देश की जनता को आपने बेवकूफ समझ रखा है? किसको बेवकूफ बनाते हैं? अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला तो 3 साल के बाद आपने चार्जशीट की है, और चार्जशीट कितना मजेदार है उसको देख लीजिए। 3 साल के बाद चार्जशीट किया है और दिल्ली सरकार से परमिशन लेना ही भूल गया। मैं अपने पुलिस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं और अपने गुजरात के लोगों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि यह धरती पटेल और गांधी के नाम से जानी जाती थी। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस गुजरात की धरती को नतमस्तक करती थी, इसको नमन करती थी। लेकिन आज इस शाह और मोदी की जोड़ी ने गुजराती अस्मिता को बदनाम करने का काम किया है, इसको कलंकित करने का काम किया है। इस बात को आप समझिए, गुजरात की जो पहचान है शांति और एकता की, गुजरात की जो पहचान है सत्य और अहिंसा की, गुजरात की जो पहचान है प्रगति और उन्नति की, आज उस पहचान को ये
झूठ और फरेब में तब्दील कर दिए। ये गली गली जाकर के अपनी राजनीति के लिए, फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और गुजरातियों का नाम बदनाम कर रहे हैं। इनसे ये सवाल पूछना चाहिए, और खास करके मैं पुलिस के लोगों से कहना चाहता हूं कि देशद्रोह के केस में जब आप चार्जशीट फाइल कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि दिल्ली सरकार से परमिशन लेना जरूरी है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपको कभी चार्जशीट नहीं करना था और ना ही आपको परमिशन लेनी थी। असली मसला यह है कि हमारे नाम पे, हार्दिक पटेल के नाम पे, जिग्नेश मेवानी के नाम पे, नारेबाजी के नाम पे, जेएनयू के नाम पे देशभक्ति और देशद्रोही का फर्जी बहस खड़ा करके इस देश के लोगों को यह भुला देना चाहते हैं कि इसी प्रधानमंत्री ने सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाने का वादा किया था। और हम मोदी की तरह पूछें, अब 15 लाख आया, अच्छा दिन आया, 2 करोड़ नौकरी मिली, कैसा लग रहा है बता दीजिए? तो यही ड्रामा ये प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम करके कर रहे हैं। और जब अब चुनाव का वक्त है तो चुनाव के वक्त में इन्होंने क्या कहना शुरू किया है? चुनाव के वक्त में इन्होंने कहना शुरू किया है कि पिछले 70 सालों में इस देश में कोई काम नहीं हुआ है। तो पिछले 70 साल में 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे जिनको ये लोटा में घुमा रहे थे, तो क्या उस प्रधानमंत्री ने भी कोई काम नहीं किया है? और तो और मैं एक बात आपको याद दिला देता हूं, आप तो गुजरात के लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, आपके पास स्मार्ट सिटी होना हो लेकिन स्मार्टफोन तो जरूर है। अपने फोन पे आप चेक कर लीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसद में एक भाषण है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि पिछले 55 सालों में इस देश में उन्नति का काम हुआ है। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ जो इस देश में जो उन्नति का काम हुआ है उसको नजरअंदाज कर दूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं। ऐसा झूठ, मुझे तो कई बार इस प्रधानमंत्री को झूठा कहने का भी मन नहीं करता है। पूछिए क्यों? हाथी को भैंस कह सकते हैं आप क्या? नहीं कह सकते हैं ना। हाथी का साइज बड़ा होता है। ये इतना झूठ बोलते हैं कि इनके सामने झूठ भी आकर के शर्मा जाए, कह के अरे दोस्त योगी जी हमारा नाम बदल दीजिए, आज से मैं झूठा नहीं नरेंद्र मोदी हूं। और ये मैं खोल करके बोलता हूं, है हिम्मत है दम तो करो हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा, हम तुमको चैलेंज करने के लिए आए हैं। क्यों ये बात हम बोलते हैं? यह बात हम इसलिए बोलते हैं कि हमको मालूम है कि इन्होंने झूठ बोला था। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि ये लोग पूछ रहे हैं कि आप भारत माता की जय बोलते हैं नहीं बोलते हैं। हम बोले क्यों नहीं बोलेंगे, भारत के माता की भी जय बोलेंगे, गुजरात के माता की भी जय बोलेंगे, पूरी दुनिया के माता की जय बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बेशर्मी की बात देखिए, जो अपनी पत्नी छोड़कर भाग गया वो भारत माता की जय बोल रहा है। लाजवाब बात है। जिसने आज तक किसी महिला की इज्जत नहीं की वो भारत माता की जय बोल रहा है और दूसरे को कह रहा है कि भारत माता की जय बोल करके दिखाओ। मजेदार बात जानते हैं क्या है? आप गुजरात के लोग हैं, मेरा नाम कन्हैया है और जिनको छोड़ करके भाग गए उनका नाम यशोदा है। मोदी जी गलत ट्रेन पकड़ लिए हैं इस बार, तो गलत ट्रेन पकड़ लिए हैं आप और इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये बात हम आपको कह देते हैं। और सुन लीजिए एक बात और आपको बता देते हैं, डरते तो हम किसी से नहीं है और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। इसीलिए ये जो गीदर भभकी है ये किसी और को दीजिएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जब आपने हमको जीवन नहीं दिया है तो आप हमको मार भी नहीं सकते हैं। अरे जीवन देने वाला कोई और है, बचाने वाला कोई और है, मारने वाले को हम देखने के लिए तैयार हैं। यह साहस लेकर के अपने पास हम चलते हैं। और एक बात और जान लीजिए, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पिट्ठू नहीं हैं कि आपसे हम सवाल पूछेंगे तो आप बदले में हमसे सवाल पूछेंगे जवाब देने के बजाय। एक मजेदार चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे कि प्रधानमंत्री साहब अभी भी प्रधानमंत्री कम और नेता प्रतिपक्ष ज्यादा लगते हैं, विरोधी पक्ष के नेता नहीं लगते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि ये किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ सवाल पूछते हैं। और अभी हमारे एक पत्रकार बंधु ने हमसे पूछा कि सरकारी खर्चे पे
मोदी जी जो घूम घूम करके बिजली के खंभे का उद्घाटन कर रहे हैं, 7 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? तो हमने कहा कि ये देश की जनता के साथ अन्याय है। देश की जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स के पैसे की बर्बादी है। जनता के टैक्स के पैसे से ये भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा, 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली, यह सवाल हम पूछ रहे हैं। और जब प्रश्न करते हैं तो इनको बहुत जोर से लगता है, लेकिन हम क्या करें, हमने तो वादा नहीं किया था। भाजपा का घोषणा पत्र हम थोड़ी तैयार किए हैं, भाजपा का घोषणा पत्र तो भाजपा खुद तैयार की होगी। हमने तो प्रधानमंत्री को नहीं कहा था कि चुनाव जीतने के लिए आप कह दीजिए कि 15 लाख आपके खाते में पहुंचा देंगे, लेकिन ये भूल गए कि चुनाव हर 5 साल में होता है। इनको लगा कि एक बार चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद अमित शाह है ही, अमित शाह सब मैनेज कर लेगा। लेकिन अमित शाह साहब को एक बात समझना चाहिए कि एक प्रदेश को तो आपने मैनेज कर लिया जैसे तैसे, वहां भी 2 बीड़ बांकुरे यहां पैदा हो गए हैं, हार्दिक और जिग्नेश। पूरे देश को आप कैसे मैनेज कीजिएगा साहब? और कॉन्फिडेंस का आलम देखिए गुरु, कि ये जब आए जीत करके तो कुछ दिनों के बाद कहा कि हम 50 साल इस देश पे राज करेंगे। जो ही 3 राज्य का चुनाव हारा तुरंत कहने लगे शिवसेना कहां है, दोस्ती कर लेते हैं, चंद्रबाबू नायडू कहां है, दोस्ती कर लेते हैं, अरे नीतीश जी कहां है, आइए हम आपके साथ अलायंस कर लेते हैं, कितना सीट लीजिएगा, 19 सीट ले लीजिए, लेकिन हमको छोड़ के मत जाइए। और नारा क्या लगाता है फेसबुक पे, शेर अकेला ही चलता है। अरे सुनो यार, तुम शेर होगे हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर शेर हो तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो, शेर की 2 ही जगह है, या तो शेर जंगल में रहता है या पिंजरे में रहता है, बता दो कहां रहोगे, जेल में रहोगे कि जंगल में रहोगे? हम इंसान हैं, हम इंसान की पैदाइश हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, और हम आपको कह देना चाहते हैं, आप अकेला चलते हो चलें, हम सब मिलकर के चलना चाहते हैं, एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक सुंदर भारत का, सुंदर गुजरात का निर्माण करना चाहते हैं, इसीलिए बिहार से चल करके हम गुजरात आए हैं। आ जाइए इधर देख लीजिए, वो फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, 1-2 उनका भी खींच लीजिए, खुश हो जाएंगे, रूपानी साहब को दिखा देंगे कि देखिए राजकोट में हमने विरोध किया था कन्हैया कुमार का। बैठ जाइए कोई बात नहीं है, बैठिए, अच्छा कोई बात नहीं है, ज्यादा आप लोग पैनिक मत होइए, अरे आप लोग तो गुजरात के लोग हैं, इनकी सच्चाई आपको ज्यादा मालूम होगी, हम तो बाहर से आए हैं। एक बात हम इनके बारे में बता देना चाहते हैं कि कैमरा और फोटो से ज्यादा इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। तो वो जो काली पोत रहे थे, दरअसल वो रूपानी साहब को मैसेज भेज रहे थे, साढ़ू छे सब ठीक है, अभी हम जो है पोस्टर पे काली पोत दिए हैं, अब बताइए हमको पार्षदी का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे यार क्या कर रहे हो, तुमको मालूम ही नहीं है कि अगर 2019 में मोदी जी हार जाते हैं तो रूपानी साहब मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यही उनको मालूम नहीं है। और जब वो खुद ही मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आपको क्या देंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिला हुआ है, और इसका सबसे ताजा उदाहरण यह है कि अभी अखिलेश जी को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और कहा गया कि आप इलाहाबाद नहीं जा सकते हैं। अभी जिग्नेश मेवानी को उनका लेक्चर रोक दिया गया और कहा गया कि आप लेक्चर नहीं दे सकते हैं। अभी यह जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम का परमिशन देने से मना किया गया। लेकिन सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, आपकी मनुस्मृति से नहीं चलेगा। यह बात मैं आपको कहने के लिए आए हैं, हम आपको कहने के लिए आए हैं कि आपको अपना विचार मानने की पूरी आजादी है, आप मानिए अपने विचारों को, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह से हमको हमारे विचारों को मानने की पूरी आजादी है, और हम आजादी की बात करेंगे, आजाद देश में आजादी की बात करेंगे, गरीबी और भुखमरी से आजादी की बात करेंगे, भेदभाव से आजादी की बात करेंगे, और समानता से आजादी की बात करेंगे, आजाद देश में सरदार पटेल की आजादी की बात करेंगे, भीमराव अम्बेडकर की आजादी की बात
बात करेंगे, अट्ठा गुल्ला खा के आजादी की बात करेंगे। जो आजादी हमको हमारे महामानवों ने लड़ करके अंग्रेजों से दी थी, उस आजादी को अंग्रेजों से उन्होंने छीना था, उस आजादी को हम इन लुटेरों के हाथ में नहीं फंसने देंगे, इसलिए हम आजादी की बात करते हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में सिर्फ आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आज आपको एक बात समझनी ये होगी कि हिंदुस्तान एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। इस गंभीर संकट में जानबूझ करके आपको आपके सवालों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझ करके नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, समाज का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे दौर में हम तमाम भारतवासियों को, चाहे हमारा धर्म कुछ भी हो, हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा रंग कुछ भी हो, हमको एकजुट रहना पड़ेगा, हमको इकट्ठा रहना पड़ेगा। और इकट्ठा रह करके हम अपने संविधान को बचाने की बात करेंगे, अपने संविधान को बचाएंगे, क्योंकि संविधान में ही वो ताकत है कि एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला का बच्चा भी खड़ा होकर के प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है। ये वो संविधान की ताकत है कि तमाम लोग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उनका जातीय पहचान कुछ भी हो, उनको बराबरी का वोट का अधिकार मिला है। ये संविधान की वो ताकत है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, और जब लोकतंत्र जिंदा है, लोकशाही जिंदा है, तभी इस देश में लोगों के बुनियादी सवाल भी जिंदा हैं। इन बुनियादी सवालों की रक्षा के लिए और संविधान के ऊपर जो हमला है, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से ED का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से तमाम तरीके की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इन संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करते हुए, संविधान को बचाते हुए, हम हिंदुस्तान को बचाएंगे और भारत को एकजुट करके एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय सरदार, जय भीम। तो जोर से कहिए, जय सरदार, अरे जय सरदार, अरे जय भीम, अरे जय भीम। आनो कन्हैया नो पेलो आजादी वालो जो गीत छे, ए गासे तुम्हारे आजादी आजादी साथे लेका आपाना छे, बराबर। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप सब लोग गुजरात के हैं, आप बताइए कि मैं जिस पृष्ठभूमि का आदमी हूं, अगर एक शब्द भी इस देश के खिलाफ बोला होता तो मैं आपके सामने खड़ा होता नहीं होता ना? अरे आपके यहाँ तो गृह मंत्री की हत्या हो गई थी, आप तो जानते हैं ना? मुझे नहीं मालूम कि किसने किया। अमित शाह के ऊपर खून का आरोप है कि नहीं है? उसको खूनी कहते हैं, हमको देशद्रोही कहते हैं ये लोग। हमने कभी कोई बात देश के खिलाफ नहीं की, हम आजाद देश में आजादी की बात करते हैं। और मजेदार बात आपको मालूम है, अभी एक गाना आया है हिंदी फिल्म का, अब भाजपा वाले भी आजादी मांग रहे हैं, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। तो वो नारा क्या है मैं आपके सामने लगाना चाहता हूँ। इस देश में हर कोई अपनी परेशानियों से आजादी चाहता है, हम भी अपनी परेशानियों से आजादी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो आप हमारे साथ नारे को बुलंद कीजिएगा, अरे हम क्या चाहते हैं, आजादी सरदार वाली आजादी, तो बाबा साहब की आजादी।
हम लोगों को।